कितना बुरा बवंडर हाल देखो भाई, मंगल बाजार वालों के बिचारों का कितना नुकसान है वो हो रहा है यहाँ पे। गाड़ी देखो 10 की स्पीड पे चल रही है भाई, इतनी तगड़ी बारिश। जय श्री राम। बोलो बालाजी महाराज की जय। आप सभी को भाई हनुमान जयंती, बालाजी महाराज की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उनका भाई जन्मदिन है, तो आज भाई सुबह नहा धो के मैं आ गया भाई अंजू को ऑफिस छोड़ने के लिए। अब जा रहा हूँ मैं घर। तो आज बहुत दिन बाद भाई फिर से व्लॉग है मैं बना रहा हूँ। इतने दिन बाद यार व्लॉग बना के ना मैं खुद ही परेशान हो गया कि भाई इतना लेट मैं व्लॉग जो बना रहा हूँ क्यों नहीं बनाता हूँ मैं रेगुलर। तो अब यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, वो हो रखा है क्योंकि सारे ऑफिस जाने वाले हैं, तो इस चक्कर में यहाँ ट्रैफिक हो रखा है। चलिए पहले मैं स्मूथ रोड पर आ जाता हूँ, फिर बात करते हैं। ये देखिए भाई, एक राइडर जा रहे हैं अपने तिरंगा को लगा के कहीं राइड पर जा रहे हैं। तो आजकल भाई इतने ज़्यादा राइडर है जो राइड पे निकलते हैं, राइड करने जाते हैं, और मैं यार कहीं जाता नहीं हूँ। मेरा भी मन करता है। ओहो, यहाँ से भाई बंद कर रखा है। मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगा, इस वाले रास्ते से आता हूँ, मेन हाईवे पे नहीं जाता। अब पता चला कल मैं आया था यहाँ पे, रास्ता खोला हुआ था, तो हनुमान जयंती की वजह से आई थिंक यहाँ पे जो रास्ता है वो बंद कर दिया है। तो यहाँ पे अभी जो आज आपको पता है हनुमान जयंती है, तो भाई हर हनुमान मंदिर पे आज जो प्रोग्राम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं भी भाई आज जाऊंगा, हमारे घर के पास में हनुमान मंदिर है, बहुत अच्छा बना है और वहाँ पे बहुत ही अच्छे कीर्तन होते हैं और हनुमान जी की और जयंती जो अच्छे तरीके से मनाते हैं। हर जो देवी देवता है उनके जो सेलिब्रेशन है, नवरात्रि हो गया, हर एक त्यौहार है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं वहाँ पर। और सबसे अच्छी पता है बात क्या है, आप ना लकी हो। लकी कैसे हो, अगर आप भाई हनुमान जयंती है आज और साथ ही साथ आज है मंगलवार, तो ये भाई बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है कि आज ही के दिन है जो हनुमान जी के वार पे, ये आज मंगलवार है, हनुमान जयंती आपको देखने के लिए मिल रही है, तो काफ़ी खुशी वाली बात है। तो चलिए भाई, रास्ते भाई बन रहे इधर के, मुंबई एक्सप्रेस वे वगैरह तो वो तो ये चलते रहेंगे, बनते रहेंगे, रास्ते इधर उधर निकलना पड़ता है। तो चलिए भाई पहुँचते हैं घर। रोड से यार इतने तगड़े और मस्त बना दिए ना, जिसकी कोई बात मतलब पूछो ही मत, बहुत ही अच्छे रोड्स हैं वो बना दिए। और साथ ही साथ यहाँ पे ना रोड्स तो बनते ही हैं, पर यार जो घर भी जाते हैं, जिनकी ज़मीन चली जाती है उनके लिए दुख भी होता है, पर क्या कह सकते हैं। पर रोड से जो बात है एकदम सौदे वाला बना दिया भाई, मस्त एकदम। और साथ में मुंबई एक्सप्रेस वे और ये इसका जो बाईपास लेन है वो रहने वाली है। देखो भाई मेरे सामने चल रहा है एक पापा है, वो अपनी बच्ची को लेके जा रहा है, पीछे उसने ना बांध रखा है ताकि वो गिरे ना, और वो एकदम चिपक के बैठी है। कितना क्यूट सा नज़ारा है, अपने बच्चे को लेके जा रहा है और वो बैठ के देख रही है, बस साइड में एक तरफ फिक्स कर रखा है। आज का दिन यार सच्ची में मेरे लिए जो मैं मतलब कर रहा हूँ ना, जितनी भी रेड लाइट है सब मेरे को आज ग्रीन, जैसे ही मैं पहुँचा ग्रीन हो गए तो लाइट भी आए। मतलब आज का दिन मेरा ना बहुत ऐसा लग रहा है कि अच्छा दिन है, बहुत स्पेशल फील कर रहा हूँ, बस वैसे ही ना बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। और आज भाई अपना एसी है वो सर्विस हो रहा है, तो अर्बन क्लासिक बंदा बुलाया है। ये बॉबी भाई, बॉबी को एसी का काम आता है भाई, जिसको करवाना हो ना करवा लेना है भाई। नंबर बता दे तेरा जो सर्विस वाला है नंबर। तो अभी चलो भाई एसी की सर्विस का। ये देखो भाई फिल्टर एकदम चौक सा पड़ा है इसका, ये एसी कितना गंदा हो रखा है। शीर ये भाई निकल गया एसी अपन का। ये लो जी भाई मोटर चालू, अभी कर रहा है भाई, बाहर दिखाते हैं कैसे हो रही है। ये सर्विस चालू, धुलाई चालू भाई। ठीक है।
तो भाई लोगों इवनिंग हो चुकी है, मैं डायरेक्ट इवनिंग में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। सुबह से दोपहर में भी काम था तो उस वजह से कर नहीं पाए, तो उस वजह से भाई हम कर नहीं पाए। तो भाई शाम को हो रही है बारिश भाई, हनुमान जयंती पे आज बारिश होगी एकदम से भाई, मौसम बना और बारिश होनी चालू। मैं तो भाई आधे रास्ते गया था, मैं पता है आधे रास्ते में चला गया था, मैं बाइक से गया था अंजू को लेने के लिए, लेकिन पता चला कि भाई बारिश तेज़ होने लगी तो भाई वापसी में आ गया। अगर मैं मुझे लगा था एक बार मैं गया था पहले तो उसमें ये हुआ था, बारिश नहीं हुई थी तो गाड़ी से बाहर ना एकदम वेदर जो मस्त होता है बाइक पे, बाइक चलाने में इस टाइम पे, पर आज फिर से बारिश भाई होगी तो इस चक्कर में फिर मैं गाड़ी लेके आया वहाँ। देख पूरी सड़क गीली होगी ना अभी, हो रही है अब हल्की हल्की है, अब पड़नी बंद। भाई ये चीज़ गलत है, मेरे साथ ना धोखा हो गया, अब बारिश नहीं हो रही, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मैं गाड़ी लेके आ गया और भाई जब से इतनी तेज़ बारिश होगी मैं घर भी चला गया वापसी। अब देखो अब बारिश नहीं हो रही बिल्कुल भी यार, बाइक पे यार मज़े आते हैं यार, मैं यही जान के लेके आया था फिर भाई बारिश आ गई तो मैं छोड़ के आ गया। जय हो बालाजी महाराज। आंधी देखो भाई क्या धड़ाधड़ ऐसे चल रही है, बहुत तगड़ी आंधी आ रखी है। ये देखो भाई आपको शायद वैसे दिख नहीं रही होगी लेकिन बहुत ही खतरनाक वाली आंधी आ रखी है, बाहर निकल के नहीं दिखा सकता, पूरा भूत बन जाऊंगा मैं एक सेकंड में ही, इतनी खतरनाक वो आ रखी है। आज पवन पुत्र हनुमान सारे मंदिरों में घूम रहे तो उस चक्कर में हवाई हवा चल रही है, उस चक्कर में इतनी तगड़ी है जो आंधी आ रखी है। भाई आपका क्या कहना है भाई इस पे कॉमेंट करके बताओ। ये देख इतनी पॉलिथीन उड़ रही है भाई, भयंकर नजारे। बाजार वालों के हाल देखो भाई, ओ भाई कितना बुरा बवंडर, हाल देखो भाई मंगल बाजार वालों के बिचारों का, कितना नुकसान है वो हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो सारे अपना सामान है वो भर रहे हैं, बहुत भयंकर जो आंधी आ गई है, सारे अपना सामान भाई समेटने में लग रहे हैं क्योंकि क्या करें ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्योंकि आंधी इतनी तगड़ी है, बारिश से तो देख भी ले इन्होंने तिरपाल डाल रखे है लेकिन आंधी से कैसे बचे भाई, सारे अपनी दुकानों को ना बंद करने में समेटने में लग रहे हैं बेचारे। तो आज इनका भाई आज इन्होंने इनको लगानी ही नहीं चाहिए थी, जिस हिसाब से भाई मौसम हो रखा है बहुत ही खतरनाक भाई साहब, भीग गए बारिश में भाग रहे सब इधर उधर। ओ भाई नहर भी भर गया पूरी, देख रहे हो नहर पूरी भर गई है। ओ भाई कितनी तगड़ी आंधी और वो आ रखी है भाई, मैं तो बार बार शीशे चढ़ा रहा हूँ ऊपर बंद कर रहा हूँ, बहुत ही भयंकर भाई नज़ारे हो गए भाई। सही था भाई मैं गाड़ी लेके आ गया, अब देखो भाई पटरी पटरी पट रही है हमारी तो। अब भाई बाइक वाइक बाइक वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, पर एक चीज़ है इसमें आंधी है ना जो इतना धूल वूल उड़ रही थी वो सारी चीज़ बंद हो जाएगी है ना, बहुत भयंकर वाली पड़ रही है भाई बारिश, आपको आवाज़ तो आ ही रही होगी सबको भाई, अब तो और ही ज़्यादा होगी भाई, मेरे को तीन पे वाइपर करना पड़ गया, इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश होगी भाई अब तो। ये लड़के देखो कहाँ भीग गए भाई रास्ते में ही, बहुत भयंकर वाली बारिश होगी। ये अंकल अपना सामान वामान निकाल रहे हैं, हेलमेट वेलमेट कुछ ओढ़ने ओढ़ने के लिए भाई, बहुत तगड़ी वाली बारिश भाई 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 क्या हो रहा है भाई, इतनी तगड़ी बारिश, ओ भाई इतनी तगड़ी बारिश, ओ भाई पहली बार देखी मेरे पे तो गाड़ी नहीं चल रही भाई, गाड़ी देखो 10 की स्पीड पे चल रही है भाई, इतनी तगड़ी बारिश, सब डूब के पड़े हैं भाई, पहली बार इतनी तगड़ी बारिश में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब 10 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है उससे तेज चली नहीं रही, आगे वालों को भाई रास्ता नहीं दिख रहा ढंग से, गलत रास्ता ले लिया मैंने, मेरे को आना था खेड़ी पुल से लेकिन बारिश के चक्कर में मैं भूल गया और आ गया मैं कहाँ से भाई, मैं आ गया 29 से भाई, कितना पानी भर गया भाई थोड़ी सी देर में ही, अब मेरे को यू टर्न लेना है, मैं निकल गया अभी, आगे खेड़ी पुल है वहाँ से यू टर्न लेके आऊँगा फिर जाऊँगा अंजू को ऑफिस, भाई गलत रास्ते ही ले लिया मैंने भी। चलो भैया खेड़ी पुल पे भी जाम मिल गया तगड़ा ही, घसराड़ हो गया अब चारों साइड भाई जाम ही मिलेगा हमें जी। खेड़ी पुल पे 20 मिनट हो गए, इतना तगड़ा जाम लग रहा है भाई, हटने का नाम नहीं ले रहे भाई, गाड़ियाँ ही पता नहीं कैसे जाम लग रखा है, जबकि होना नहीं चाहिए यहाँ पे जाम, पता नहीं क्यों लगा रखा है भाई।
हम तो जाम जाम में ही फंस गए आज। गलत टर्न, एक गलत टर्न आपका टाइम है इतना ज़्यादा वेस्ट कर देगा, ये आज मैंने सीख लिया है भाई। मैं, मेरा माइंड में था कि बाइक है वहाँ से थोड़ा सा, मैं रोड है जो पार कर लूँगा चढ़ा के अपनी बाइक को, लेकिन एक रॉन्ग टर्न आपका जो टाइम है कितना ज़्यादा वेस्ट कर सकता है। आधा घंटा तो मेरा टाइम है पूरा पूरा वेस्ट हो गया, अब तक मैं कब का पहुँच जाता, और पेट्रोल की वेस्टेज है वो अलग। ये जनता ने कर रखा है भाई, देखो दोनों साइड में कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है ना कि इन्होंने रास्ता रोक रखे है सबके, तो ये नहीं जाने दे रहे। ये देखो भाई सब खड़े हैं यहाँ पे, है ना, तो इसी के चक्कर में भाई, ओए होए ओए होए भाई ना, ऊपर से पानी आ रहा है फ्लाईओवर से, तो इसी चक्कर में भाई ये जाम लग रहा था। चलो भाई निकल गए हैं, अब पहुँचते भाई अंजू के पास। माया देख रहे हो ऊपर वाली की, जस्ट आधा मिनट हुआ है मेरे को, धूप निकल रही है और माहौल बिल्कुल शांत, मतलब बारिश जो इतनी तड़ाके की पड़ रही है वो बारिश ही नहीं है और धूप निकल रही है भाई। यार कुदरत की यार अलग ही माया है, कुदरत को ना कोई नहीं पहचान सकता, ये ही है भाई असली करिश्मा कुदरत का। ओ भाई गिर गए भाई की बाइक, गिर गए भाई एकदम से, टायर फट गया, अगला टायर फिसल गया एकदम से ब्रेक लगाने के चक्कर में। हेलो भाई क्या खतरनाक वेदर हो गया है भाई, एकदम ठंडा मौसम और खतरनाक वेदर भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल एकदम कड़ाक ठंडी ठंडी, कितना क्लियर दिख रहा है ना सन, मस्त मौसम हो गया अब तो। ट्रैक्टरों के ना कलेश ही अलग है भाई, भाई पानी इतना ज़्यादा भर जाता है जिसकी कोई हद नहीं है ट्रैक्टरों के अंदर ना, फरीदाबाद में बस यही एक कमी है पानी की, पानी भर जाता है भाई बहुत ज़्यादा। अभी ये देखो भाई आगे कितना तगड़ा तालाब है, हाँ मात्र 20 मिनट बारिश हुई होगी 20 मिनट, और 20 मिनट में इतनी तगड़ा भर गया तालाब। लो भाई नैनो मेरी फंस गई, वो टायर फंस गए भाई आधे आधे, टायर आधे आधे फंस गए भाई नैनो के। ये लो जी अंजू को आ गए हम लेने के लिए, पहुँच गए, अंजू वेट कर रही थी बहुत देर से, आ जा भाई आ जा, तेरे चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। मौसम हो गया भाई एकदम ठंडा, बिल्कुल चिल्ड एसी, बर्फ़ की तरह हवा चल रही है और जाम लग रहे हैं भाई जगह जगह पे, पीछे भी जाम लग रहा था 29 वाले पे, तो अभी जा रहे हैं भाई हम घर, और शाम को अभी जाएंगे हम मंदिर पे भी। आए भाई हम प्लांट वगैरह देखने के लिए भाई, लगाने के लिए, बारिश वारिश शाम को भी, कितने के है? हाँ ये आ रही है ना, एक ले रहे हम भाई पाम, देखते हैं ना सर। देखिए वाला ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरा छोटा मतलब दिन में सही दिखते ना ये हरे हरे से, अब तो ऐसे दिखेंगे। ये देखिए हैं सही है ना। ठीक है ये कोई सही सा दिख रहा, तो भाई लोगों आज है नेक्स्ट डे, हम व्लॉग एंड करना ही भूल गए थे, व्लॉग एंड भी मतलब बनाना भी था पर लेकिन बना नहीं पाए, क्यों हम देखो उसके बाद गए थे हम मंदिर वगैरह भी गए थे घूमने के लिए वहाँ पे, तो भाई मेरा फ़ोन का हो गया था स्टोरेज फुल, उस चक्कर में वीडियो बन ही नहीं पाई, तो ये नेक्स्ट डे है मैं थोड़ा स्पेस खाली करके तब ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो बहुत मज़ा आया था भाई, आप सभी को कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में काफ़ी ख़तरनाक व्लॉग के साथ, और मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ भाई व्लॉग्स, तो आपको अब कंटिन्यू देखने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी राउत।